हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये पी कोमोट है, पी ट्रैप कोमोट है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, पी ट्रैप जो कोमोट है उसके लिए आपको क्या करना है और उसके लिए आपको पॉइंट कितने में रखना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं नाप के बता देता हूँ। इसका जो पॉइंट है दोस्तों, फ्लोरिंग से यहाँ पे आप देख सकते हो 7.5 इंच लगभग इसका सेंटर आ रहा है, 7.5 से लेकर 7.5 इंच यहाँ पे। तो इसका जो है सेंटर आ रहा है दोस्तों, तिरछा रहता है। मतलब इसको आप अगर आप मेजरमेंट करोगे तो आप पॉइंट जो है सही से इसमें आएगा नहीं इसके हिसाब से, क्योंकि इसका जो मुंह रहता है दोस्तों तिरछा रहता है, नीचे की ओर घुसा हुआ रहता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको नाप कर बता रहा हूँ। ये 4 इंच का जो मैं पॉइंट किया हूँ कोमोट के लिए, यहाँ पे इसको लगाने के लिए, इसका जो दोस्तों सेंटर है 8.5 इंच है। मैं आपको 8 इंच में रखकर बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो हाइट है यहाँ पे 8.5 इंच है। तो आपको 8 से लेकर 8.5 के बीच में इसका 4 इंच का जो है आपको सेंटर रख देना है, उसके बाद में दोस्तों कोमोट जो है आसानी से लग जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि पीछे ओपन सिस्टम लगने वाला है वहाँ पे, तो इसके वजह से इसका पिछाड़ मैं 8 इंच कर रहा हूँ दोनों साइड, आप देख सकते हो। और अगर इसमें फ्लास्क वर्क लगता है तो आप दोस्तों पिछाड़ आपको 8 इंच करने की ज़रूरत नहीं, आप 4 इंच भी पिछाड़ में हो जाएगा, 4 से 6 इंच अगर आप पिछाड़ रखोगे तो। उसके बाद में यहाँ पे टुकड़ा जो नापा था इसको मैं नाप लेता हूँ 8 इंच के हिसाब से। पीछे से यहाँ पे 9 इंच का टुकड़ा आ रहा है, तो इसको मैं काट लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, यूज ऑफ सीमेंट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फिक्सिंग दिस प्रोडक्ट। यानी दोस्तों इस कोमोट को लगाने के लिए सीमेंट का उपयोग ना करें, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। ताकि जो है सीमेंट क्यों उपयोग नहीं करना चाहिए, कंपनी वाले ने क्यों नहीं बताया सीमेंट लगाने के लिए, मैं आपको बताऊँगा। और कहाँ पर आपको नहीं लगाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर उसके बाद में जो है दोस्तों, टुकड़ा जो है मैं जो काट लिया था 9 इंच का टुकड़ा, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। वाशर में थोड़ा ऑयल देकर लगा देता हूँ, आप लुब्रिकेंट भी देकर लगा सकते हो, क्योंकि लुब्रिकेंट नहीं है फिलहाल। उसकी जगह मैं इसको स्लिप करने के लिए मास्टर ऑयल का यूज किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो है इसको लगा दिया हूँ, अब इसको मैं थोड़ा इसको आउटलेट को इसमें घुसा कर देख लेता हूँ आ रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल आ रहा है। तो आपको दोस्तों जमीन का जो है फ्लोर का टॉप लेवल से आपको 8 इंच सेंटर रख कर देना है, 4 इंच का जो पॉइंट है उसका सेंटर। तो आसानी से दोस्तों पी ट्रैप जो कोमोट होता है वो लग जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में इसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ, मेजरमेंट जो कर लिया हूँ सीधा कर लिया हूँ। सीधा करने के बाद में मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ताकि दोस्तों इसको फिक्स करने में आसान हो। उसके बाद में इसका जो होल दिया गया है उसमें मैं मार्क कर लेता हूँ। बहुत कई बार इस कोमोट को लगाते हैं दोस्तों, इसमें स्क्रू नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली सीमेंट देकर अंदर चिपका देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि उससे अगर आप ऐसे काम करोगे तो दोस्तों कोमोट जो है बाद में क्रैक हो जाता है, तो इसलिए आपको सीमेंट अंदर नहीं डालना है। अब जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 4 इंच का ब्रश, 4 इंच साइज का ब्रश स्क्रू लाया हूँ मैं इसको लगाने के लिए। यहाँ पे जो दोनों होल है इसमें मैं कसूँगा, तो अंदर सीमेंट देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद में इसको जो मैं ड्रिल मशीन से इसका सबसे पहले दोस्तों जो दो होल का मार्क किया था इसको ड्रिल कर लेता हूँ यहाँ पे। ये ड्रिल हो गया है यहाँ पे, और मैं इसको एक बार स्क्रू देकर भी चेक कर लेता हूँ, स्क्रू लगाकर। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ड्रिल जो है हो गया है, क्योंकि कोमोट जो है वहाँ पर भी इसका 1 इंच गैप है, तो वहाँ पर कसूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे। अब जो है मैं इसमें जो है ग्रिप दोस्तों लगा दिया हूँ। ग्रिप लगाने के बाद में इसको थोड़ा स्क्रू देकर ठोक देता हूँ, ताकि वहाँ पे आसानी से टाइट हो सके, यहाँ पे फिक्स हो सके। अब मैं इसमें कोमोट लगाकर इसका स्क्रू को टाइट करूँगा यहाँ पे। और मैं आप लोगों को दोस्तों इस कोमोट को सिस्टम में ला के बताऊँगा, साथ ही साथ इसमें पानी भी चालू करके बताऊँगा यहाँ पर। और इसका सीट कवर भी मैं आपको ला के बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटलेट का पॉइंट जो है बिल्कुल घुसा दिया हूँ इसके अंदर, 4 इंच का पाइप के अंदर। अब इसमें मैं सबसे पहले स्क्रू को हल्का ठोक कर लगा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करूँगा यहाँ पे। आप देख सकते हो कितना अच्छे से काम हो रहा है। और ये जो 4 इंच का ब्रश स्क्रू अगर आप अच्छे से टाइट कर दोगे तो क्या है, कोमोट बिल्कुल हिलेगा भी नहीं दोनों साइड में। यहाँ पर सीमेंट जो आपको लगाना है दोस्तों अंदर नहीं देना है, कोमोट का बाहर जो ग्रू है उसमें बाद में आपको लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पे इसका सीट कवर को मैं फटाफट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे खोल दिया हूँ इसका नट, और इसको मैं इसका ग्रिप में डाल देता हूँ। बिल्कुल ईजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हो सीट कवर को, तो इसलिए मैं थोड़ा क्विकली इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में इसका अंदर हॉल में पुश करके नीचे से नट लगा देता हूँ यहाँ पर।
और दोस्तों इस चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट में अगर आप नए हैं तो चैनल के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा मेरे वीडियो के ठीक नीचे, वहाँ से प्रेस करके चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका सीट कवर जो है बिल्कुल लगा चुका हूँ मैं यहाँ पे। और दोस्तों वालहंग कमोड और पी कमोड और एस कमोड इसके बारे में आपको पॉइंट मेजरमेंट सब के बारे में वीडियो है, आप चैनल से जाकर देख सकते हो। और वालहंग कमोड का अगर पॉइंट के बारे में आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के एंड में मैं एक वीडियो लगा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। एस कमोड का भी मैं एक वीडियो दे दूँगा, इसका राइट साइड में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वहाँ से। उसके बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम जो है बिल्कुल लगा दिया हूँ। दोस्तों सिस्टम कैसे लगाया जाता है इसके बारे में एक वीडियो है, आप चैनल में जाकर देख सकते हो, डिटेल्स में बताया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका एंगल को और कनेक्टर पे भी लगा दिया हूँ। अब जो है दोस्तों कमोड बिल्कुल लग चुका है कमोड और सिस्टम। उसके बाद मैं यहाँ पे 4 इंच का जो आउटलेट का पॉइंट है इसमें थोड़ा पीछे के साइड में सीमेंट लगा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल, आप लोगों को डिटेल्स में बताया हूँ कैसे पॉइंट करना है और कैसे दोस्तों इसका फिट करना है। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और दोस्तों कमेंट भी करिएगा एक आपको कैसा लगा यह वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, उसके बाद मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। अब मैं आपको पानी इसका फ्लश करके बताता हूँ। और यहाँ पे नीचे के साइड में जो दोस्तों कमोड है, कमोड के नीचे के साइड में आपको सीमेंट लगा देना है। मैं फिलहाल इसमें सीमेंट नहीं लगा रहा हूँ, इसमें जो है नीचे के साइड में जो ग्रूव बसता है उसमें आपको राउंड करके सीमेंट लगा देना है। तो क्या पानी इसका अंदर नहीं जाएगा, नहीं तो वहाँ से लीकेज भी हो सकता है, इसीलिए वहाँ पर आपको सीमेंट लगाना है, अंदर नहीं लगाना है। अब मैं इसको फ्लश करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।